हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्प्लैश स्टोर में। और फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपकी डेली मोबाइल यूजेज एक्टिविटीज़ को चेक करता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि आपने मोबाइल को किस पैटर्न में यूज़ किया है। वो सारी चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ वॉलपेपर वो देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के ऐप की जिसका नाम है एक्टिविटी बबल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ गूगल एक्टिविटी बबल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्टिविटी बबल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्टिविटी बबल्स, जैसे ही मैंने टाइप किया है तो यहाँ पे आपका सबसे पहला ऑप्शन आ गया एक्टिविटी बबल्स। नीचे आप देख रहे हैं गूगल क्रिएटिव लैब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये प्रोडक्ट जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। फ्रेंड्स, अब हमने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। आप देख रहे हैं सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्टिविटी बबल्स। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस ओपन होकर दिखाई देगा। और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट वॉलपेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको इसको सेट एज अ वॉलपेपर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका एज अ वॉलपेपर सेट होने के लिए ऑप्शन आएगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं राइट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट वॉलपेपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इसको एज अ वॉलपेपर कहाँ कहाँ सेट करना है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको होम स्क्रीन जो कि पहला ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक कर। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको सेट एज अ वॉलपेपर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होम स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ऐप काम कैसे करती है। इस अभी जैसे कि मैं काफ़ी देर से मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको बंद करके और फिर जब मैं मोबाइल को दोबारा ऑन करूँगा तो ये मुझे ऊपर से आपको बबल नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं अभी लेफ़्ट कॉर्नर में बहुत सारे बबल इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये बबल का जो साइज़ है वो आपके मोबाइल के टाइम, आप एक बार में जब मोबाइल आप ऑन करते हैं तो कितनी देर तक आप उसको यूज़ करते हैं, उस हिसाब से बबल का साइज़ बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आप एक बार में मोबाइल को यूज़ करेंगे उतना ही बड़े साइज़ का ये बबल ड्रॉप होगा जब आप मोबाइल बंद करके चालू करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं कुछ देर से इस मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको बंद करके फिर से चालू करूँगा तो आप देखेंगे काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें बबल ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा है यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज़ का बबल गिरते हुए दिखाई दिया है। और ऐसे ही ये जितने बार आप मोबाइल को बंद या चालू करेंगे और जितने बार आप इसको जितनी देर तक यूज़ करेंगे उस हिसाब से इस बबल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा। जितना कम आप मोबाइल को एक बार में यूज़ करेंगे उतना छोटा बबल बनेगा, और जितना ज़्यादा आप इस मोबाइल को यूज़ करेंगे एक बार में उतना बड़ा बबल जब आप बंद करके चालू करेंगे तब ये ऊपर से गिरेगा। और फ्रेंड्स, अब ये बबल जो है ये इकट्ठे होते जाएंगे और रात को जब 12 बजते हैं उसके बाद ये अपने आप को दोबारा रिफ़्रेश कर लेता है, ये सारे बबल जो हैं वो गायब हो जाएंगे और आपको एक फ़्रेश स्क्रीन दिखाई देगी। फिर से ये अगले दिन से फिर एक ये नए वे में वर्क करने लगेगा। जैसे कि आपने अभी इसको इंस्टॉल किया है उसके बाद जैसा अभी वर्क कर रहा है वैसा ही अगले दिन भी वर्क करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीचे काफ़ी सारे बबल इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बबल जो है ये आपके मोबाइल, दिन भर आप मोबाइल को किस पैटर्न में यूज़ करते हैं, कितना ज़्यादा आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, कितने बार आप बंद और चालू कर रहे हैं मोबाइल को, मीन्स आप स्क्रीन ऑफ और ऑन कर रहे हैं, और एक बार में कितनी देर तक मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको इन बबल्स से आपको पता चलती रहेगी, जो कि आपको वॉलपेपर के फॉर्म में दिखाई देते रहेंगे करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है एक्टिविटी बबल ऐप के बारे में। ऐसे ही आगे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो अगर इस ऐप से रिलेटेड, और भी कोई ऐप से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।